लो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू वेलकम करती हूँ हम सब का लड्डुओं के साथ में। ये देखो टेस्टी टेस्टी लड्डू। मैं थोड़ी देर पहले याद कर रही थी लड्डू, माँ से पूछने गई थी, माँ लड्डू है? माँ बोली नहीं है। ठीक है, तो ये देखो लड्डू आया है। और इतनी देर में कोई देखे चला गया, इतनी देर में कोई देखे चला गया, किसी को पता लग गया है कोई भिखारी याद कर रहा है। भिखारी से मतलब क्या है, माँ का लड्डू मांगना कोई भिखारी काम हुआ है? देख लो कैसी बात करी। हाँ देखी गयो हमारो हक दे। एक बरात साथ में रोटी बनाने खातर। हाँ एक बरात देगो, बताओ रोटी बनाने खातर 20 रुपया टोरियान खातर रोटी बनाओ, चूल्हा के ऊपर काटी अपना है ही, और लाडवा सागे खा लो, है ना। देख लो, अब भी अभी याद कर रही थी मैं 10 मिनट पहले, माँ का लड्डू मांगन आई ही। और मांग कर रही है सीताराम का पाठ, और बाई जी इमना के आई है। तो जी मैंने आप लोगों के साथ में इनके वीडियो में 5-6 बार कहा था कि वैलेंटाइन डे पर इनकी गर्लफ्रेंड ने इनके लिए गिफ्ट मंगवाए हैं, है ना। तो गिफ्ट क्या मंगवाया, नहीं भेजे हैं, भेजे हैं, वो सारे गिफ्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी, पूरा पिटारा भर के। ठीक है, इतने सारे गिफ्ट इनकी गर्लफ्रेंड ने भेज दिए, और वो गर्लफ्रेंड कौन है वो भी बताऊंगी। ये देखो पैसा था वो ये लेके चल पड़ो, जो पैसे थे वही लेके चल पड़ा। देखो माँ से ले गया, वापिस दे के जा माँ के पैसे, क्या करेगा, रख वापिस। बिस्कुट लाओ। तो लड्डू खा लेती हूँ मैं, और आप लोगों के साथ में मैंने जैसे बताया ना आप लोगों को कि वो गिफ्ट शेयर करती हूँ वैलेंटाइन डे पर जो इनकी गर्लफ्रेंड ने भेजे हैं, और वो गर्लफ्रेंड कौन है वो भी बताती हूँ, और क्या क्या गिफ्ट भेजा है वो भी दिखाती हूँ। मेरे को वैसे काफ़ी खूबसूरत लगे वो, ठीक है। तो मैं लड्डू फिनिश कर दूँ। मैं आप लोगों के साथ में सारे गिफ्ट शेयर कर रही हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सारे गिफ्ट्स आए हैं अमेजोन से, और किसने भेजे हैं वो मैंने आप लोगों को बताया कि वैलेंटाइन डे पर भेजे हैं किसी ने, जिसने भेजे हैं उसका नाम मैं लास्ट में अनाउंस करूँगी, आप वीडियो पर डटे रहिएगा। तो शर्मा जी के लिए वैसे मैंने आपको बता दिया कि उनकी गर्लफ्रेंड ने भेजे हैं, लेकिन वो गर्लफ्रेंड कौन है वो सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। और हाँ, ये अमेजोन के थ्रू भेजे गए हैं, और अमेजोन के इनके जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सबके लिंक्स अगर आपको पसंद आते हैं तो आप भी खरीद सकते हैं। मैं आपको दूंगी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे होल स्टोर का लिंक भी वहां पर आपको मिलेगा। अगर आपको अदर भी कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 250 रुपए का कैशबैक भी मिलता है अमेजोन पर, क्लोथिंग में और ब्यूटी में, फैशन में, वॉच वगैरह खरीदने में, लगेज वगैरह खरीदने में। अगर आप मेरा कूपन कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, तो आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करिए, और फिर आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट 250 रुपए का मिल जाएगा, और वैलेंटाइन डे पर अपने वैलेंटाइन को विश कर सकते हैं एक अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट दे करके। तो चलिए फिर ये वीडियो स्टार्ट है, और ये वाला जो है जैसे कि ये कुर्ता देखिए, ये वाइट कलर का ब्लैक कॉलर के साथ, और ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, सारे प्रोडक्ट बहुत ही रीजनेबल रेट में, बहुत ही रीजनेबल रेट में है, क्योंकि मैंने इन सब के टैग देखे हैं अभी, ठीक है, प्राइस टैग जो लगे हैं। तो ये देखिए, ये कुर्ता जो है ये है प्योर कॉटन में, और यहाँ पर इसमें ये बटन लगे हुए हैं देखिए, ठीक है, और स्लीव्स हैं कुछ ऐसी, यहाँ पे ये पाइपिंग लगी हुई है, इसमें प्योर कॉटन है, वाइट कलर का कुर्ता है, स्लीव्स के ऊपर दोनों साइड में ऐसे ही है, जेंट्स कुर्ता है। तो ये शर्मा जी के लिए एक कुर्ता तो ये आया है, एक कुर्ता तो ये आया है, पता नहीं क्या हो रहा है इसके, एक कुर्ता तो ये है, ठीक है। अब अगला जो प्रोडक्ट है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा शर्मा जी को एक बहुत ही अलग सा ये कपड़ा जो है ना, ये कपड़ा मतलब पता नहीं, हमारे यहाँ तो धूप छाएगा बोलते हैं, ये धूप में जाते अलग कलर का हो जाता है, देखो ये इस तरीके का कुछ है, और वैसे सिल्क जैसा नहीं है, ये कॉटन जैसा ही फील, कॉटन जैसा होता है, लेकिन यहाँ इसमें साइन है, ये बात मैं कहूँगी। और ये कल शर्मा जी ने वियर भी किया था, 2-4 घंटे के लिए कहीं वो गए थे जब उन्होंने पहना था, और काफ़ी खूबसूरत सा कुर्ता है ये भी। तो एक कुर्ता है ये, यहाँ पर इस तरीके से ये बटन है यहाँ पे, और कॉलर ये वाली कॉलर है, स्लीव्स, और फिटिंग के लिए आपने शर्मा जी का वीडियो देखा ही है, काफ़ी खूबसूरत फिटिंग है इसकी आई है। और इसका साइज जो है शर्मा जी की बॉडी के लिए मैंने, मैं आपको बताऊं कितना है, 40 नंबर है,
साइज जो शर्मा जी की बॉडी जो है ना उनका ऊपर फिट हो रहा है 40 नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है ये वाला कुर्ता, ये देखिए ये स्काई कलर में है और इसका भी सेम सा ही पैटर्न है, बस कलर अलग है, लेकिन ये भी प्योर कॉटन में है। गर्मियों में बहुत आराम से सुकून के साथ बंदा इनको पहन सकता है, गर्मी नहीं लगेगी। तो अगला कुर्ता ये था, ये ही कुर्तों में जैसे यहाँ पर पॉकेट होती है ना, ये तो ये सिंगल कुर्ते हैं। ठीक है, इसके साथ पजामा नहीं है। और लास्ट जो है, अब मैं आपको इनकी प्योरिटी की, जैसे मैंने आपको बताया ना कॉटन में है, उसकी किस तरीके से मैं श्योर कर सकती हूँ आपको। देखो कॉटन को जैसे हम धुलते हैं तो वो सिकुड़ता है, मतलब कि वो वैसा होता है ना कॉटन, एक अलग तरीके से हो जाता है। तो ये देखिए इसको मैंने धुला है अभी, ये देखिए प्योर कॉटन है एकदम, ये येलो कलर वाला भी देखिए, इसमें यहाँ पे इस तरीके का इसका कपड़ा है। ठीक है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है, पहनने के बाद का लुक आप सबने देखा है शर्मा जी के वीडियो में। और ये देखिए प्योर कॉटन है, इसको धुला है बस, बाकी को धुला नहीं है, इसको प्रेस होना बाकी है, ये उन्होंने पहना था। ठीक है, अब कुर्ते हो जाएं तो कुर्ते के साथ में लुक कंप्लीट करने के लिए एक चीज और होनी जरूरी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए पहले ये प्योर कॉटन है और इस कपड़े में कलर, इन सब कुर्ते जितने भी दिखाए ना इन सब में और भी कलर्स हैं, मैंने चेक किया। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का, इसमें ये हल्की हल्की लाइन सी है। अब राजस्थानी लुक आता है कुर्ते से, वो कंप्लीट किससे होता है, जूतियों से। तो ये देखिए ये जूतियाँ जो कि प्योर लेदर में है, मतलब लेदर की जूती है, जैसे हम चमड़े की जूती नहीं बोलते हैं, चमड़े की जूती है। और इसके नीचे देखिए ये 2-3 दिन हो गए इनको वियर करते हुए। ठीक है, तो ये जूतियां हैं, ये भी वहीं से मंगवाई हैं, इनका 7 नंबर साइज है, मतलब जिसने भी भेजी है उसने वहीं से भेजी है अमेजोन से। और एक प्रोडक्ट है ये जिलेट का, ये रेजर जो 3 ब्लेड्स में है, जो कि बहुत ही परफेक्ट सेविंग की कर रहा है। मैंने एक इनके सेविंग का मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, आपने देखा होगा वो, मैंने इसी का रिव्यू करके देखा था कि ये कैसा है। तो उस दिन मैंने देखा ये बहुत ही इजीली, मैं इसको हैंडल उनकी सेव में कर रही थी तो बहुत इजीली मैं कर पाई और बहुत अच्छी सेव इससे हुई। 3 ब्लेड्स हैं। ठीक है, तो एक ये आया है और सबसे लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये बोरो प्लस, बोरो प्लस की शॉप। तो जितने भी प्रोडक्ट मैंने दिखाए इन सब के बाय लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाए, आप वहां से अपने लिए खरीद सकते हैं। और अब अंत में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उनकी किस गर्लफ्रेंड ने ये सारे गिफ्ट भेजे हैं। ठीक है, मैंने, वो क्या है ना कि यार शादी को 10 साल हो गए लेकिन फिर भी मन तो जवान होता है ना, दिल तो बच्चा है जी। ठीक है, वैलेंटाइन क्यों नहीं बनाएंगे। तो मैंने उनके लिए सारे गिफ्ट मंगवाए थे अमेजोन से, और अमेजोन का माई होल स्टोर जो लिंक है वो भी मैं, और अमेजोन के जितने भी प्रोडक्ट मैंने ये मंगवाए हैं उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाए हैं, वहां पर मेरे होल स्टोर का लिंक भी आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। और ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही रिजनेबल रेट में मुझे ये सारे मिले हैं, मतलब कपड़े के दाम पर पूरा सिला हुआ स्टिच कुर्ता बहुत ही अच्छी स्टिचिंग के साथ मिल गया। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ कल दोपहर 1 बजे फिर से आप सबको।